हे गाइस, आज है 9 अक्टूबर और आज का दिन है संडे, तो आज लक्ष्मी पूजा है। तो मेरे कुछ फ्रेंड लोगों ने भी मेरे को इनवाइट किया है। वो लोग हर साल मुझे इनवाइट करते, लेकिन मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। मैं रहता था ड्यूटी चेन्नई में, तो इस साल तो मैं यहाँ पे हूँ, इसीलिए घूम फिर रहा हूँ, ब्लॉग वगैरह बना रहा हूँ। तो इस साल जाता हूँ उनके घर, आज पूजा वगैरह है, पूजा बैठते हैं, देखते हैं और प्रसाद भी खाते हैं, और आप लोग भी मेरे संग बने रहिए। तो मैं पहले बता दूं, मेरा नाम है पिंटू और मेरा चैनल का नाम है बैकपैक पिंटू। तो आप लोगों को आज लक्ष्मी पूजा के बारे में दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ है मेरे दो भैया है, ये रतन दा है और ये इनका कजन ब्रदर है। तो अभी हम लोग सब जा रहे, पूजा में ही जा रहे, तो सब चलते हैं और पूजा में बैठते और आप लोगों को भी बैठाते, तो चलिए चलते हैं। अभी पूजा में बैठा हुआ है, पूजा आरंभ हो गया है और अभी अभी एक्चुअली मेरे को पहुंचने में लेट हो गया, मैं बाहर गया था बोल के। तो अभी चलते हैं अंदर और पूजा देखते हैं। चलिए गाइस, मेरे को आने में तो लेट हो गया, ऑलमोस्ट पूजा खत्म हो गया है। तो पंडित जी अभी भी है, बाकी सब लोग भी है, तो लेट हो गया यार, क्या कर सकते हैं। तो अभी आए हैं पूजा में, हम लोग भी प्रसाद वगैरह खाते। एक बार पूजा रूम दिखाते हैं और माता जी का भी दर्शन कराते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे माता जी है, आज लक्ष्मी पूजा है, तो लक्ष्मी माता का पूजा हुआ है। और ये देख सकते हैं, ये रवि भाई है और ये भाभी है। आज भाभी ने ही बैठ के सारा पूजा वगैरह किया है और ये सारा अरेंजमेंट भाभी ने किया। गाइस, यहाँ पे पहुंचने में तो मेरे को लेट हो गया, लेकिन अपना और एक दोस्त है पोलुस और कर, तो वो भी इन्वाइट किया हुआ है मेरे को, उनके मम्मी ने भी मेरे को बोला था। तो अभी अभी जो पंडित जी यहाँ पे पूजा करके गया, अभी उन्हीं के घर पे गया है, तो अभी हम लोग चलते हैं उनके घर पे। तो है गाइस, अभी हम लोग पोलू भाई के घर पे आ गए हैं। तो अभी उनके घर पे अभी अभी पूजा आरंभ होने वाला है, तो अभी पूजा उस समय तो देख नहीं पाए रवि भाई के घर पे, तो इसीलिए पोलू भाई के घर पे अभी आ गए। तो चलिए चलते हैं पोलू भाई के घर पे और पूजा देखते हैं। Thank you.
देख रहे गाइस अभी पूजा हो रहा है अंदर और काफी देर तक अभी पूजा चलेगा, तो मैं पूजा में बैठा था फिर अभी वापस आ गया हूँ क्योंकि दोस्त यार लोग भी सब बाहर है, पूजा में सिर्फ आंटी बैठी हुई है, तो अभी पूजा में होने में टाइम है तो हम लोग सब दोस्त लोग मिलकर थोड़ा फन मस्ती करते है, मजे करते है और पूजा होने देते है, तो चलिए चलते हैं। अभी अभी पूजा खत्म हो गया और आप लोगों को बोला कि मैं पोलू भाई के घर पे जा रहा हूँ पूजा पे, तो ये मेरा पोलू भाई है और मेरे जो कुछ फ्रेंड है गांव में तो उनमें से ये पोलू भाई है, जो हम लोग हर वक्त साथ में रहते हैं, गौती वगैरह करते हैं, तो ये पोलू भाई की मम्मी है जो पूजा अभी खत्म कर रही है, ऑलमोस्ट पूजा खत्म है और मेरे पीछे देख सकते हैं अंकल जी है, तो ये पोलू के पापा है और यहाँ पोलू भाई का मम्मी पूजा कर रही है, ये अपना पोलू भाई है। मैं फिर से आ गया हूँ पोलू भाई के घर से, अभी मैं आ गया रोबी भाई के घर पे, तो रोबी भाई के घर पे अभी तक प्रसाद वगैरह खाया नहीं हूँ, तो यहाँ पे भी प्रसाद खाएंगे फिर वापस जाएंगे, तो अभी रोबी भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये देखो ये रोबी भाई है और ये हमारा जूनियर है, नाम क्या है? जोगेश इसका नाम। ये रोबी भाई की छोटी सी प्रिंसेस है, नाम बताओ? प्रिया, जोर से। तो इसका नाम है रिया। रिया कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, कौन से क्लास में? तो रिया फोर्थ क्लास में पढ़ती है। तो अभी हम लोग रोबी भाई के घर के बाहर बैठे हुए हैं, तो पूजा वगैरह तो हो गया है, तो रोबी भाई पूजा वगैरह सब ठीक हो गया ना? तो गाइस आप लोगों को मैं बता रहा था ना, गांव में मेरे ज्यादा फ्रेंड है नहीं, तो गिने चुने दो चार फ्रेंड है जिसमें से रोबी भाई है, पोलू भाई है और भी दो तीन फ्रेंड है, कभी मिलवाऊंगा आप लोगों को उससे भी। तो इनके घर का पूजा वगैरह खत्म हो गया, अभी यहाँ पे बैठ के प्रसाद वगैरह खाएंगे फिर पोलू भाई के घर की तरफ से भी होके फिर जाएंगे। तो ये देखिए ये पोलू भाई की मम्मी जी है, आंटी जी, और मेरे को ये देखिए ढेर सारा प्रसाद मिला है खाने के लिए, आप लोग देख सकते हो आंटी जी ने ढेर सारा प्रसाद दिया, प्रसाद में बहुत कुछ है, ये हलवा है, ये खजूर है और ये देखिए ये छोटा छोटा पूरिया है, बूंदी है, लड्डू है और ये पूरी भी है, तो बहुत सारा प्रसाद दिया है खाने के लिए, इससे तो पेट भर जाएगा, तो प्रसाद खाते हैं। ये सब भाभी ने अपने हाथों से बनाया हुआ है और बहुत ज्यादा टेस्टी है, ये प्रसाद खाने का आनंद ही कुछ और है यार, प्रसाद खाने में ना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसका स्वाद ही कुछ होता है, मन को ना बड़ा सुकून और शांति मिलता है। तो गाइज मेरा प्रसाद खाना हो गया है और अभी तपनदा का कजन ब्रदर भी आए हुए हैं, रविदा इस तरफ बैठे हुए हैं, उनकी डॉटर है ये रविदा, और तपनदा भी आ गए, तो तपनदा का भी खाना हो गया प्रसाद, और ये अपने तपनदा है इनका भी प्रसाद खाना हो गया है, अभी जाएंगे पोलू भाई के घर, पोलू भाई से थोड़ा मुलाकात करके फिर घर चले आएंगे क्योंकि अभी 9:40 हो रहा है, फिर काफी रात हो गया है, तो फिर रात को भी घर जाना सेफ नहीं होता क्योंकि ये गाँव है, कोई शहर है नहीं, तो यहाँ का पूजा वगैरह भी कम्प्लीट हो गया, प्रसाद खाना भी कम्प्लीट हो गया, अभी रविदा के घर से विदाई लेते हैं, यहाँ पे अभी सबको ये पूरा परिवार, ये देखो भाभी भी है और रोबीदा है, पूरा परिवार यहीं पे है, तो अभी चलते हैं और पोलू भाई से भी मिलते हैं फिर घर चले जाएंगे।